तो वेलकम बैक यार, एक तो होता नहीं है मेरे से, तो वेलकम कैसे हंस रही है ये लड़की, ये कौन कमाली हंसी कौन सी होती है? अरे तो वेलकम बैक, मैं बैक में बेस डालना चाहता हूँ, तो वेलकम बैक। तो आज है मेरा ये अभी भी हंस रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें इसकी आवाज। आज है मेरा, मतलब अब मैं काफ़ी टाइम बाद इंडिया आऊँगा, 28 तारीख है और रात को मुझे निकलना है अपना लिथुआनिया के लिए। तो ये व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज मतलब मैं घर की सबसे जो खास चीज़ें हैं वो दिखाना चाहूँगा, ठीक है? जैसे कि ये तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा साइड रखो, ठीक है? जो सबसे खास चीज़ है वो दिखाना चाहूँगा, जिन्हें मैं जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ इमोशनली भी, ठीक है? तो मेरी बाइक भी आती है उसमें, ठीक है, और सब कुछ दिखाएंगे। ओके देन, तो ये ब्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है? अभी पहली चीज़ दिखाते, सबसे पहली चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने किसी को चीज़ को रैंक नहीं कर रखा, बट हाँ ये है मेरे डीजल का पोर्ट्रेट। और ये मतलब इस साल इसकी डेथ हो गई थी नवंबर में, ठीक है? और ये हमारे साथ काफ़ी रहा, मतलब जब मैं छोटा था तभी आया था ये। तो ये डीजल है, मैं इसकी और फोटो डाल दूंगा साइड पे। और ये मामी जी ने बनाया, बना के दिया था हमें, ये देखो मामी जी का साइन है। अगर आपको कोई भी पोर्ट्रेट बनाना है तो कॉन्टैक्ट मामी जी, मैं उनका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। इनफैक्ट ये सारे पीछे लगे हैं, ये भी सारे मामी जी ने ही बनाए हैं, ठीक है? अब हम मतलब रैंकिंग किसी चीज़ की नहीं है, पर अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड उस लोकेशन पर जाके दिखाएंगे, हो सकता है बड़ी चीज़ भी हो, सकता है छोटी चीज़ भी हो, बट दिखाते हैं भैया। और मेरा रूम है, मतलब अलमीरा तो हमारी अलग अलग है, पर हम इस रूम में ही सोते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारा सेशन है ना, ये हेलमेट्स का, ठीक है, ये वाला। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने बाइकर वाले स्टफ़ को मिस करने वाला हूँ, ठीक है? और हमारे हेलमेट की कलेक्शन देख, एक ये है, ठीक है, अपना भैया के व्लॉग में इसकी फ़ोटो डाल दूँगा, पर हेलमेट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? और भी दो तीन हेलमेट है वो बाहर पड़े हैं। तो मैं मतलब बेसिकली इस सेशन को बहुत मिस करूँगा, इसके पीछे ब्लू लाइट लगी हुई है और मतलब इसमें हमारे सारे शौक की चीज़ें। फॉर एग्जांपल भैया और मैंने ट्रैक करे हैं, भैया तो भैया ने ज़्यादा करे हैं, तो यहाँ पे ट्रैकिंग पोल है और इसके पीछे लाइट है एनएमए, तो ये तो लेजेंडरी एनएमए है, ठीक है? तो हमने इसका पोस्टर लगा रखा है ऊपर भी, तांजिरो और ये बाइकिंग का सब कुछ और सॉन्ग्स के लिए, मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन करता है हमें ये जो हमने सजा रखा है। और टीवी तो है ही हमारा, ठीक है, मुझे तो अपना टीवी बहुत पसंद है, ठीक है? और ऐसा लगता है जाते जाते सब कुछ ही पसंद आ जाता है जो नहीं भी पसंद होता, जैसे कि शेरन, ठीक है? और इसके पीछे लाइट लगी हुई है तो ये बहुत सुंदर लगता है। मैं एक आधी आपको मतलब फ़ोटो डाल दूँगा इसकी भी, कि जब हम पूरा एम्बियंस बना देते हैं कमरे का तो कैसा लगता है, इधर हम कैंडल भी वगैरह सब जगा देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। अब अगली चीज़ पर चलते हैं, ठीक है? ओके, तो जो अगला पार्ट है जो मैं दिखाना चाहूँगा वो है हमारी छत, ठीक है? तो ये सारी की सारी पापा जी की मेहनत है। और मतलब ये सारे फूल वूल जो उग रहे हैं ना, ये सारे जो फूल एक सेकंड को, ये सारे जो फूल उग रहे हैं ये गुड़ेल के हैं सब कुछ, वो रेड कलर के उग रहे हैं पीछे, ठीक है? ये बेल जा रही है ऊपर, ठीक है, ये लिली सब कुछ, ये भी, और ये तो पापा जी ने पूरा इसको काट काट के कंस्ट्रक्ट करा है ऐसा, जबकि ऐसा उगता नहीं है। तो ये सारी पापा जी की मेहनत है। और मतलब इस छत से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और मुझे मतलब ऐसा लगता है, एक हमारी रोड भी है द्वारका की जहाँ पे देवांश और मैं गाड़ियों पे रेस लगा रहे हैं, ठीक है? सॉरी पापा जी मम्मा, ठीक है, उन्हें पता लगेगा, डांट लगेगी, ठीक है? और भैया के साथ भी बाइक चला रहे हो, मतलब सीधा स्ट्रेच है, बहुत अच्छा क्रेजी सा है। और यहाँ पे बैठ के जैसे आपको ये गंद दिखा रहा है, ठीक है? तो हम कल रात को पार्टी वार्टी कर रहे थे, थोड़ा सा मैं क्लिप्स डाल दूँ उसकी भी। तो ये सारी पापा जी की मेहनत है और मतलब छत के साथ अलग ही यादें हैं। मैं कभी भी क्लब्स वगैरह नहीं जाता, मेरी सारी जितनी भी पार्टीज़ होती है सब मैं छत पर ही करता हूँ। इनफैक्ट न्यू ईयर, क्रिसमस, अगर हमारी दिवाली होगी, सब कुछ छत पे। तो छत के साथ बहुत सारी यादें और मैं अपनी छत को बहुत मिस करूँगा। थोड़ा बहुत हमारे पास जिम का स्टफ भी पड़ा है, अंदर भी पड़ा हुआ है, तो शाउट आउट टू छत, ठीक है? और ये ऊपर भी है सारे,
अभी पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो एक आधे पौधे हमारे मुरझा गए, थोड़ा सा पानी देता हूँ उन्हें, थोड़ा जवान हो जाएंगे वापसी। और इसके बाद चलेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली पार्किंग में, क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा फ्लोर है उसमें भी दो तीन चीज़ें दिखाने के लिए, बट थोड़ा वो अनटाइडी हो रखा है, पर मैं दिखा दूँगा अब। ओके, तो अब हम आ गए पार्किंग में, और पार्किंग में ये तो अपनी ड्यूक है, मतलब भैया की है, बट इसके साथ मैंने बहुत कुछ किया है, व्हीली स्टॉपी सब कुछ मैंने मारी है इस पर, तो ये भी बहुत खास रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में, और मैंने इसे भगाया भी, बहुत भगाया। मैं स्पीड लिमिट नहीं बताऊँगा ड्यू टू सेंसिटिव कंटेंट, मेरे मम्मी पापा ने भी देख रही है वीडियो, तो स्पीड लिमिट तो नहीं बताऊँगा, बट जहाँ तक ये जा सकती है मान लो, कहाँ तक जा सकती है 390 है, अब आपको पता लग जाएगा। तो और मेरे अंदर बहुत बड़ा राइडर है, पहले मैं राइडिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाता था, फिर मैंने ब्लॉग छोड़ दिया जैसे बताया आपको इंट्रोडक्शन वाले में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। और इसके बाद आती है द लेजेंडरी बुलेट, मेरी बुलेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेजेंडरी क्यों है, उसके थोड़े बहुत रीज़न है, पहले मैं इसको वहाँ से बाहर निकालूंगा, फिर यहाँ सेंटर में लगाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बुलेट अपने बाहर निकाल लिया, अभी मैं पूरी लुक दिखाता हूँ। तो इस बुलेट की कहानी है, ये हमारे घर की पहली बाइक है, ठीक है। तो इसको पहले तो भैया ने बहुत टाइम चलाया, और ये मेरे के BS3 मॉडल है ये, ठीक है। और इसको मैंने फुल हद तक भगा रखा है, इसकी स्पीड लिमिट बताता हूँ मैं 140 तक लेके जा चुका हूँ। वो कैसे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सारा वेट हटा दिया है, ठीक है। और पहले ये नॉर्मल थी, फिर मुझे मज़ा नहीं आता चलाने में, क्योंकि मुझे मॉडिफिकेशन का हमेशा से कीड़ा है, और इन फ्यूचर मैं कभी कोई बाइक लूँगा उसे खुद तोड़ मोड़ के मॉडिफाई करके बनाऊँगा अपने गैराज में, ये मेरा ड्रीम है, होप सो पूरा हो, ठीक है। फिर हमने इसे बॉबर में कन्वर्ट किया, उसकी फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा, और अब हमने इसे कैफे रेसर में कन्वर्ट कर रखा है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, मतलब जितना मैं लगा सकता था। तो इसकी लुक दिखाता हूँ मैं, और फिर एक बार लास्ट टाइम इसकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि अब तो जब भी मैं वापसी कराऊँगा फिर दबा के चलाएंगे। तो ये हमने सब कुछ मड़ीदार वड़ीदार सब हटा रखा है, और इनफैक्ट यहाँ पे एकदम बहुत ओ भी हटा रखा है, उस साइड में एयर फिल्टर का डब्बा है, पर पहले मैंने वो भी हटा रखा था, पर एयर फिल्टर मैंने छोड़ने वाला माउथ वाला लगाया था, तो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मिसिंग मार थी। तो अब पता नहीं मैं कब कितने टाइम पर अपनी बाइक की आवाज़ सुनूँगा, और उसके बाद जाने के बाद बाहर बढ़िया तो बुलेट वाला पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, और फर्स्ट फ्लोर में जो मुझे सारा लॉकडाउन जिस कोने में मैंने बैठ के बताया वो वाला कोना है, ठीक है, वहाँ पे मैं सो भी जाता था सब कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मेनली ये ड्राइंग रूम ही है, यहाँ पे LED पैनल है, यहाँ पे हमने बड़ा वाला TV लगा रखा है, ठीक है। और ड्राइंग रूम मेनली मतलब ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी है, सारा एम्बियंस हम इधर का बना लेते हैं, और मुझे कहीं पे भी थोड़ा सा भी हर चीज़ के लिए एम्बियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मुझे अपने पेपर वर्क जा रहे हैं फ़ोटो कॉपी कराने, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, और मे भी फ़्लाइट चढ़ने के बाद मैं ब्लॉग दूसरा बनाऊँगा, और ये वाला ब्लॉग एंड कर देंगे फ़्लाइट चढ़ने के बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में घर वालों के साथ, हर किसी के साथ, जैसा भी कुछ मूवमेंट आगे बढ़ती है। ओके देन, चले हाँ सब बढ़िया, फुल चेक, ठीक है। भाई को छोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं लगना चाहिए, हाँ सही बात है भाई, ऐसे मिट्टी में नहीं जानी चाहिए गाड़ी, ओए सेंसिटिव कंटेंट नहीं बोलना, लोग मर जाएंगे। आ गए आगे सारे, आगे चेंज हो जाओ, पार्टी चेंज चालू,
से चीज से चीज तू क्या मलाई भाई हम आपको देसी घी यस सर हां छेत्री थोड़ा मीठा आप भी आप कर दो कॉल ये बढ़िया बंदा दो गुलाब जामुन एक रसमलाई स्टिल द सेम और वनीला आइसक्रीम भी खाई थी इसने खाई थी वनीला आइसक्रीम विद हर्शे सिरप यू आई आई ऐड चॉकलेट आज जा रहा है हमारा भाई बस नाम चला चला देंगे राम राम लाडर जाओ भैया थोड़ा